हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश को। क्लास 10 के इंग्लिश का ही सप्लीमेंट्री का चैप्टर है अ टर्म ऑफ सर्जरी। जो चैप्टर है अ टर्म ऑफ सर्जरी, इसमें बताया क्या गया बेसिकली, इसमें एक सर्जरी होती है एक ट्रिकी नाम के डॉग की। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये मिसिस पम्फ्री है। कौन है? मिसिस पम्फ्री है। ये अपने डॉग को क्या कराती हैं? ट्रीटमेंट कराती हैं। ये इनका जो डॉग है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा खाने से, और ये डॉक्टर हैरियट है, इसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और ये फोन करके बताती हैं इनको कि इसकी जो तबीयत है ज़्यादा खराब हो गई है, इसका खाना नहीं खाया जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम इसके सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे जो काफ़ी आते हैं एग्जाम में। देखिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए। देखिए, समझिए पहला क्वेश्चन क्या है, उसको देखें आप। पहला क्वेश्चन है, देखिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। तो मिसिस पम्फ्री जो थी वो क्यों वरीड हो गई थी, चिंतित हो गई थी, परेशान हो गई थी। वरीड का मतलब होता है चिंतित हो जाना या परेशान हो जाना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि मिसिस पम्फ्री क्यों परेशान हो गई थी ट्रिकी ट्रिकी के लिए। अबाउट का मतलब के बारे में ही होता है, यहाँ पर निकालेंगे के लिए। तो मिसिस पम्फ्री ट्रिकी के लिए क्यों वो ज्यादा परेशान हो गई थी, वरीड हो गई थी, चिंतित हो गई थी। आंसर देखें, मिसिस पम्फ्री, जो मिसिस पम्फ्री थी वो वरीड पर चिंतित हो गई थी, परेशान हो गई थी, चिंतित हो गई थी। बिकॉज क्योंकि ट्रिकी रिफ्यूज, ट्रिकी ने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता मना कर देना, क्या होता मना कर देना। क्योंकि ट्रिकी ने मना कर दिया था तो टेक लेने से, अब वो खाना लेने से मना कर रहा, मतलब खाना खाने से मना कर रहा है। इस फूड अपना खाना एंड सीम लोगों को दिखाई दिया। लिस्ट लेस का मतलब होता बेचैन, अब वो बेचैन से दिखाई दे रहा है, उसकी तबीयत खराब है तो बेचैन से दिखाई देगा। ही हैड वॉट्स, उसको दौड़े पड़ रही थी। बॉट्स का मतलब होता है दौड़े पड़ना, क्या होता है दौड़े पड़ना, क्या होता है दौड़े पड़ना। और वॉमिटिंग होता उल्टी होना, क्या होता उल्टी होना, उल्टी होना। याद रखें ये दोनों वर्ड, बॉट्स होते हैं दौड़े पड़ना और वॉमिटिंग होती है उल्टी। तो उसको कुत्ते को क्या हो रहा था, दौड़े पड़ रहे थे और उसको उल्टियाँ हो रही थी। आगे हैं, ही स्पेंट, उसने अपने समय बिता दिया, स्पेंट करके बिताया। आगे बोला गया है ऑल हिज टाइम, उसको जो सारे समय था लेंगे ऑन, वो पड़े रहता था, पड़े रहना, तो वो सारा का सारा समय पड़े रहता था ऑन द रग, एक इस पर चटाई पर, ये होता चटाई, तो एक चटाई पर पड़े रहता था, पेंटिंग और हाँपता रहता था। इसका मतलब होता हाँपना, क्या होता है हाँपना। अब हुआ क्या था, उसको दौड़े और उल्टे तो पड़ रही थी और वह अपना समय पूरा का पूरा समय पड़े रहता था। लेंगे ऑन का मतलब था पड़े रहना, दरअसल चटाई चटाई पर और पेंटिंग हाँपते रहता था, वो चटाई पर पड़े रहता था और हाँपता रहता था। इसके बारे में ये बताया गया पहले क्वेश्चन में। सेकंड वाला देखें, व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री मेक अ फ्रेंडली कॉल टू मिस्टर हैरियट। व्हाई डिड मिसेस पम्फ्री, जो मिसेस पम्फ्री थी वो मेक अ फ्रेंडली कॉल, उन्होंने एक डर कर कॉल क्यों की थी। फ्रेंडली का मतलब था डर के और कॉल मतलब कॉल करना, तो उन्होंने डर के कॉल की थी टू मिस्टर हैरियट, और मिस्टर हैरियट को जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, इन्होंने जो कौन थी मिसेस पम्फ्री थी डर गई थी और डर के इनको कॉल करी, किसको, मिस्टर हैरियट को। तो देखिए कॉल करके क्या बताती हैं वो देखें, मिसेस पम्फ्री, ये मिसेस पम्फ्री लिखा हुआ है, मिसेस पम्फ्री मेड अ फ्रेंटिक कॉल, मिसेस पम्फ्री ने एक फ्रेंटिक कॉल करी, डर के कॉल की, डर गई थी, कॉल टू मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट को। देखिए ध्यान से देखें, ये यहाँ से व्हाई डिड हटा के ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उतार रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक हैरियट तक। बिकॉज क्योंकि ट्रिकी एट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, क्योंकि ट्रिकी उस टाइम पर कुछ नहीं खा रहा था, तो उसको क्या हुआ, वो डर गई थी। रिफ्यूज, उसने मना कर दिया सेपरेट अपना पसंदीदा खाना खाने से, डिशेज और डिशेज खाने से। आगे है ही हैड वॉट्स, उसको दौड़े पड़ रहे थे, अब वो अपने जो उसकी पसंद वाली चीजें थी वो सारी चीजें तो खा नहीं रहा था, उसको क्या हो रहे थे, उसके दौड़े पड़ रहे थे और वॉमिटिंग उल्टी हो रही थी, उसको क्या पड़ रही थी, उल्टियाँ हो रही थी। एंड और ही वॉज लिंग, वो पड़ा था ऑल टाइम, ऑल टाइम का मतलब होता पूरा का पूरा समय वो पड़ा रहता था। आगे है ओनारा की चटाई पर पेंटिंग और हाँपता रहता था। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था, जो मिस पम्फ्री थी वो डर गई थी और डर के उन्होंने कॉल कर दी मिस्टर हैरियट को कि इनकी इसकी जो तबीयत है ट्रिकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस तरीके से वो उसका इलाज कराती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। पहले आप देख लें, देखिए ये डर गई थी, उन्होंने डर के कॉल करी है मिस्टर हैरियट को, जो डॉक्टर हैरियट हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इलाज करते हैं, ये कौन है, मिसेस पम्फ्री है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखें, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग,
हाउ डज ही, उसने कैसे ट्रीट, इलाज किया द डॉग उस कुत्ते का। ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, क्या होता है इलाज करना। तो उसने उस कुत्ते का कैसे इलाज किया था, उस कुत्ते का कैसे इलाज किया था। आंसर देखिए, आंसर ही टेक्स द डॉग, वह कुत्ते को लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है, वो जो डॉक्टर है, तो वो कुत्ते को लेकर जाता है ट्रिक टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक पर। ही के साथ क्या आता है, ही जाता है अपने के लिए। वह ट्रिकी कुत्ते को लेकर जाता है अपने क्लिनिक पर, वहां पर जाकर उसका इलाज करता है। कैसा करता है बताएंगे, देयर वहां पर ही डज नॉट गिव मच फूड, वह उसको ज्यादा खाना नहीं देता है। देखिए, देयर वहां पर ही डज नॉट, वह नहीं देता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, गिव उसको देता मच फूड, उसको खाना नहीं देता खाना। आगे बताया गया है टू ईट। अब देखिए, इसकी तबीयत क्यों खराब हुई थी, ये जो इसकी मालकिन थी मिसेस पम्फ्री अमीर थी, इसको ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाया करती थी और अच्छे से अच्छा। अभी ज्यादा खाना इसने खा लिया है तो खा के ये मोटा हो गया है, तो मोटे होने की कंडीशन में इसके अंदर बीमारियां भर गई हैं, जिस वजह से इसको उल्टियाँ हो रही हैं। ऐसी कंडीशन में फंस जाता है कोई भी हो ज्यादा खाने से। आगे है देखिए, देयर डज नॉट गिव मच फूड, उसने उसको ज्यादा खाने खाने के लिए तो दिया नहीं है। तो इट इज को ही कट्स, वह कम कर देता है इट्स फूड, उसका खाना, एंड कीप्स इट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और क्या रखता है उसको, एक कठोर डाइट पर रखता है, मतलब उसको खाना कम देता है। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब यही होता है, खाना कम देता है। अगर है ही कीप्स इट अंडर ऑब्जर्वेशन, वह उसको रखता है, केस का मतलब रखता है अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देख रेख में, तो वह उसको देख रेख में रखता है। तो कौन, जो डॉक्टर है वो उसको अपनी देख रेख में रखता है, ओके, ऑब्जर्वेशन में रखता है। एट द एंड, अंत होने पर ऑफ द सेकेंड, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन का अंत होने पर हुआ क्या है, ट्रिकी स्टार्ट, ट्रिकी ने दिखाना शुरू कर दिया स्वाइंग सम इंटरेस्ट, उसने जैसे दूसरा दिन हुआ तो उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया है, कुछ रुचि दिखानी चालू कर दी है कि वो ठीक हो रहा है। इन द सराउंडिंग्स, उस वातावरण में, उस कंडीशन में, उस वातावरण में वो क्या हुआ, वो ठीक होना चालू हो गया है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है पर्यावरण या वातावरण, पर्यावरण या आसपास का एरिया, इसके आसपास की जगह बोल सकते हैं इसको। आगे हैं, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, इट विम्पर्स, वह चलने दौड़ने लगा था, मतलब चला थोड़ा खिसखिसाया, पहला पड़ा रहता था, अब ये क्या होता है, विम्पर्स हो गया है, मतलब हिलना डुलना उसने चालू कर दिया है। और नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाई इज ही टेम्प्टेड, उसे क्यों, भाई का मतलब क्यों, ही टेम्प्टेड, तो उसे क्यों टेम्प्टेड, मतलब लालच हो गया था, टेम्प्टेड का मतलब होता है लालच हो जाना, क्या होता है लालच होना, तो उसे क्यों लालच हो गया था, तो कीप रखने के लिए ट्रिक को होना एज ए परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी होना, क्या होता है स्थायी। तो यहाँ पर ये बोला गया है क्या कि व्हाई इज ही टेम्प्टेड, उसे लालच क्यों हो गया था टू कीप रखने के लिए ट्रिकी को ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट के रूप में, अब वो उसको स्थायी गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता है, कौन, जो डॉक्टर हैरियट है। अगर है ही इज, आंसर देखें, ही इज टेम्प्टेड, वह लालची हो गया था टू कीप रखने के लिए ट्रिकी को ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, परमानेंट गेस्ट के रूप में, बिकॉज क्योंकि डेड वे, उस तरीके से, डेड वे का मतलब होता है उस तरीके से, वे का मतलब ध्यान रखना तरीका भी होता है रास्ता भी होता है, तो उस तरीके से दे वुड गेट एग्स, उस तरीके से उसको एग्स मिलते थे, अंडे मिलते थे खाने के लिए। अब ये सारे के सारे जो खाने की चीजें हैं इसकी मालकिन भेजती थी ट्रिकी के लिए, कहाँ पर, क्लिनिक पर, अभी खुद खा जाते थे। आगे हैं, गेट एग्स, उसको अंडे मिलते थे, वाइन मिलती थी पीने के लिए, इटीसी, दिस इज अ सप्लाइड, यह भेजी जाती थी, सप्लाइड का मतलब होता है भेजना, इसके द्वारा भेजी जाती थी। अब बताएंगे, बाई मिसिस पम्फ्री, तो मिसिस पम्फ्री के द्वारा ये सारी चीजें भेजी जाती थी उनको। आगे है, नॉट फॉर देम, उनके लिए नहीं, किसके, डॉक्टर के लिए नहीं, ट्रिकी के लिए, बट फॉर ट्रिकी के लिए, तो सारी चीजें खाने के लिए ट्रिकी को भेजी जाती थी। अब वो उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखता है तो सारा का सारा खाना खुद खा देते, अब वैसे भी तो वेस्ट हो जाता। आगे है, मिस्टर हैरियट थे, डज नॉट गिव, मिस्टर हैरियट ने उनको नहीं, उसको नहीं दिया, डज नॉट गिव दीज टू ट्रिकी, ये सारी चीजें ट्रिकी को नहीं दी खाने के लिए जिससे कि वो ठीक हो जाए। अब वो ज्यादा खाना खाता तो फिर से और ज्यादा बीमार पड़ता, तो वो उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखता है जिससे कि वो ठीक हो जाता लास्ट में जाके। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो देखें आप।
हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं डेट ट्रिकी ट्रिकी हैड एन एफ्लुएंट लाइफ, उसकी जिंदगी एक पर्याप्त जिंदगी है। पर्याप्त क्या होती है? पर्याप्त जिंदगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो ट्रिकी की जिंदगी है वो एक एफ्लुएंट लाइफ है, वो एक पर्याप्त जिंदगी है, उसकी जिंदगी में सारा कुछ है। आंसर देखें, ट्रिकी लेड एन एफ्लुएंट लाइफ, ट्रिकी को एक पर्याप्त जिंदगी मिली है। इट इंक्लूडेड, इसमें शामिल है एक्स्ट्रा मील्स, उसको ज्यादा खाना मिलता है, उसको पर्याप्त जिंदगी मिली है, मतलब उसकी जिंदगी में सारा कुछ है। इट इंक्लूडेड, इसमें शामिल है एक्स्ट्रा मील्स, मतलब अतिरिक्त खाना ऑफ हॉर्लिक्स। अब हॉर्लिक्स पीने की चीज आती है, ये उसको खाने के लिए दी जाती थी, क्रीम, जो क्रीम होती है, केक्स उसको खाने मिलते थे, चॉकलेट्स ईटीसी, बहुत सारी चीजें उसको खाने के लिए मिलती थी, तभी ईटीसी आया है। हिज नाइट, उसका जो नाइट बेड था, रात को सोने का जो बेड था, वो कैसा था? वो गद्देदार था। तो ये गद्दा होता है, क्या होता है? गद्दा, क्या बोलते हैं इसको? कशंस। तो इस उसके लिए खिलौने भी थे, बॉल्स भी थी, बॉल्स का मतलब यहाँ पर कटोरे हैं, एंड कॉर्ड्स और खाट भी थी उसको सोने के लिए। वर वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब याद रखना, इसका मतलब था महंगा। तो ये सारी महंगी महंगी चीजें उसके लिए थी जो जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं, एक एफ्लुएंट लाइफ के लिए, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री डू टू ब्रिंग ट्रिकी बैक टू नॉर्मल हेल्थ, वॉज सी वाइस। यहाँ पर यह बोला गया है कि व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री ने किया डू टू ब्रिंग, तो मिसेस पम्फ्री कैंसर उसको लेकर आई ट्रिकी ट्रिकी की बैक टू नॉर्मल लाइफ, जो उसकी नॉर्मल हेल्थ थी। यहाँ पर हेल्थ के बारे में बताया गया है, तो ट्रिकी की जो नॉर्मल हेल्थ थी वो वापस कैसे लेकर आई थी, मतलब ठीक कैसे हुआ था। वॉज सी वाइज, क्या वह बुद्धिमान थी, मतलब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट उनका ठीक गया था। आंसर देखें, टू ब्रिंग, लाने के लिए ट्रिकी ट्रिकी को बैक टू नॉर्मल हेल्थ, उसकी नॉर्मल हेल्थ लाने के लिए मिसेस पम्फ्री ने गैप उसको दिया, गिव किससे कहते हैं गैप, तो उसको दिया हिम सम लिटल एक्स्ट्रा इटेबल्स, उसने कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा खाने के लिए और दिया। अब एक्स्ट्रा खाने के लिए और देगी तो और ज्यादा तबीयत खराब होगी उसकी। बट भी नहीं, इसी के बीच में मील्स उसको खाना दिया तो बिल्ड हिम अप, उसको ठीक करने के लिए सम मॉल्ट, एंड देखिए उसको मॉल्ट भी दिए, कुछ बीज टाइप की चीजें होती हैं, एंड कॉड लिवर, और कॉड लिवर दिया उसको खाने के लिए, ऑयल दिया पीने के लिए, एंड वॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स दिया उसको खाने के लिए एट नाइट, रात में। तो रात में सारी चीजें उसको खाने के लिए दे रही हैं, अब वो फिर से इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। सी वॉज अनसक्सेसफुल, वह असफल हो जाती थी, ऐसी कंडीशन में क्या हुई, वह असफल हो गई थी, अनसक्सेसफुल हो गई थी। इन हर अटेम्प्ट, अपने प्रयास में, अटेम्प्ट होता प्रयास, तो वह अपने ऐसे प्रयास में वो असफल हो गई थी, ऐसी कंडीशन में कि जब उसको ज्यादा खाना दे रही हैं उसको, तो उससे उसकी ज्यादा तबीयत खराब होगी, ज्यादा तबीयत खराब होगी तो क्या होगा, उन वो क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। अब अनसक्सेसफुल हो जाती हैं तो इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, तो इस तरीके से आप इसको भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हो चुका क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सभी आपको तैयार करने चाहिए एग्जाम के लिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।